नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मोटरवर्क और आज इस वीडियो में मैं करने वाला लॉन्ग टर्म रिव्यू मारुति सुजुकी इग्निस का। तो इस कार को खरीदे मुझे 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी के लिए इस कार को मैं लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में एज अ ओनर मैं आपको इस कार के रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, मैं इसको ऑलमोस्ट हर रोड कंडीशन पर भी चला चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीज़, हाईवेज, खराब रस्तों में, हिली रीजन्स यानी कि चढ़ाई पर, और मैं इसमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर चुका हूँ। तो इस हिसाब से मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है इस कार के साथ वो सब कुछ डिटेल में आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। और इस कार की अच्छी चीज़ों के बारे में, इसके कामियों के बारे में, सबके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ज़रूर से वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा कार के एक्सटीरियर से, और एक्सटीरियर में सबसे पहले आते हैं लुक्स। अभी लुक्स के हिसाब से सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस गाड़ी के लुक्स काफ़ी पसंद आए और कुछ लोगों को बिल्कुल भी ये पसंद ना आए, लेकिन मुझे पर्सनली इस कार के लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे यूनिक लुक इसमें देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इसका जो फ्रंट पोर्शन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। इसमें आपको काफ़ी एक बोल्ड एंड एग्रेसिव सा डिज़ाइन मिलता है यहाँ पर। बाकी ये जो स्किड प्लेट, क्रोम ग्रिल्स और ये जो फॉग लैम्प का डिज़ाइन है, ये इसको काइंड ऑफ एक एसयूवी जैसा प्रेजेंस देता है। तो मुझे ये हैचबैक कम क्रॉसओवर ज़्यादा लगती है पर्सनली। तो ओवरऑल फ्रंट का डिज़ाइन मुझे काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी यूनिक लगता है यहाँ पर। बाकी साइड पोर्शन भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। इस सेगमेंट में मिलने वाले सभी हैचबैक के मुकाबले बहुत ही अलग डिज़ाइन यहाँ पर दिया है। एंड आपको पीछे 3 स्पोक वाली डिज़ाइन भी मिलती है जो कि इसको काफ़ी एक स्पोर्टियर लुक देता है। तो साइड लुक भी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है इसका। और इसके अलावा इसका जो बैक प्रोफाइल है ये बहुत लोगों को पसंद नहीं है। ऑनेस्टली मुझे भी शुरुआत में पसंद नहीं, लेकिन अभी बहुत बार कार को देखने के बाद अभी मुझे सही लगती है। बैक पोर्शन थोड़ा सा बल्की फील होता है, लेकिन एक चीज़ है कि इसके जो टेल लैम्प्स है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था। टेल लैम्प्स का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन ओवरऑल बैक पोर्शन मुझे सही लगा। हो सकता है कि आपको ये इतना ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन ओवरऑल जो कार की डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी पसंद आए। काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी यूनिक लुक इसमें आपको मिलती है। और दोस्तों, ये सिग्मा मॉडल है। अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स लेंगे तो उसमें आपको रूफ रेल्स और वीलाज क्लैडिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, नीचे अगर आप देखेंगे तो लगभग 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर आप खराब रस्तों में चलाते हो, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह के ऊपर भी चलाओगे, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर कोई भी शिकायत आपको इसमें नहीं मिलने वाली। और बाकी 15 इंचेस के आपको बड़े से टायर भी मिल जाते हैं इसके सभी वेरिएंट्स में, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है यूट्यूब पर। तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी बिल्ड सही लगी। उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उतनी बुरी भी नहीं है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट से, तो उसके मुकाबले इसकी बिल्ड मुझे थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी, क्योंकि जिस ढंग से इस कार को डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से ये थोड़ी मजबूत लगती है अगर मैं कंपेयर करूँ स्विफ्ट से। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगी है यहाँ पर। अभी दोस्तों, यहाँ पर इंटीरियर के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सिग्मा मॉडल होने की वजह से इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं, और अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स लेंगे तो उसमें आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा। ड्यूअल टोन इंटीरियर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसका ड्यूअल टोन कलर थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर के डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन इसका थोड़ा सा एसयूवी इंस्पायर्ड आपको मिलेगा। तो इसके अंदर बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी इसमें हैचबैक वाली फीलिंग नहीं आती है। काफ़ी शानदार इंटीरियर डिज़ाइनिंग यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाती है। वही इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से सही लगी, लेकिन कुछ जगह पर जैसे कि ये जो डोर पॉकेट्स आप देख रहे हो, इसकी फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है, ये थोड़े से हिलने लगते हैं। तो अगर आप इसको खराब रस्तों में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ले जाओगे तो इधर से रैटलिंग नॉइज वगैरह आनी शुरू हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये स्टीयरिंग आप देख सकते हो, तो इग्निस में आपको इस तरह का स्टीयरिंग मिलता है। अभी इसकी स्टीयरिंग को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए थे, और उन कमेंट्स में ऐसा पूछा जा रहा था कि क्या इसमें स्टीयरिंग रीसेंटरिंग का प्रॉब्लम है या नहीं।
अभी अगर आपको पता नहीं तो इसका जो BS4 मॉडल था उसमें स्टेयरिंग रीसेंटरिंग का थोड़ा सा इशू था। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि BS6 मॉडल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ और उसमें भी मैंने बताया था कि इसमें कोई भी स्टेयरिंग रीसेंटरिंग का इशू नहीं है। अपने आप टर्न लेने के बाद स्टेयरिंग अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो स्टेयरिंग मुझे इसका सही लगा और हैंडलिंग वाइज भी कार काफ़ी अच्छी है। सिटी में चलते वक्त आपको बहुत ही बेहतर हैंडलिंग मिलती है। एंड हाईवे पर अगर आप बहुत स्पीड पर चलते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 90 या 100 की स्पीड में चलोगे तो इसका स्टेयरिंग अपने आप थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको हाई स्पीड्स में भी ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग मिलेगी। बाकी स्टेयरिंग का डिज़ाइन वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है, आउटडेटेड लगता है थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं गाड़ी में, जो कि है इंजन। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि जनरेट करता है 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क। तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो इसके काफ़ी अच्छे हैं लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस यहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है। तो इस कार को मैं हर रोड कंडीशन में चला चुका हूँ जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, और इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और मैं इसको ज़्यादातर हिली रीजन्स पर चलाता हूँ, यानी कि चढ़ाई में मैं ज़्यादा चलाता हूँ। गाड़ी में अगर 4 लोग भी बैठे हैं तो पिकअप से रिलेटेड कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होती है, आराम से कार कहीं पर भी चढ़ जाती है बिना किसी दिक्कत के। इनिशियल रिस्पॉन्स इसका काफ़ी बेहतर है एंड ओवरऑल इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी रिफाइनमेंट के हिसाब से भी बात करूँ तो कैबिन में बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की इंजन नॉइस और वाइब्रेशन इसमें महसूस नहीं होंगे, बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी साइलेंट कार है। तो रिफाइनमेंट के हिसाब से भी ये इंजन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। और यहाँ पर NVH लेवल के बारे में बात करूँ तो इसमें इंजन नॉइस नहीं आती, वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन रोड नॉइस बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एक दिक्कत है, रोड नॉइज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर मैं किसी भी रोड्स पर चलाऊँ, सिटी में चलाऊँ, हाईवे पर चलाऊँ, अगर मैं म्यूज़िक को ऑन किए बिना चलाऊँगा तो रोड नॉइज़ इसमें काफ़ी क्लियरली ऑडिबल होती है। तो ये एक दिक्कत है, लेकिन बाकी इंजन इसका काफ़ी स्मूथ है। इसके बाद यहाँ पर गियर बॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, बाकी AMT मैंने कभी भी चलाई नहीं है इग्निस का, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा, काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इसमें। और अगर आप सिटी में भी इसको चलाते हो तो गियर शिफ्टिंग में आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी स्मूथली आप इसमें गियर्स को चेंज कर सकते हो। एंड इसके अलावा इसका जो क्लच है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, थोड़ा सा आपको अंदर पुश करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है उसका एक्सपीरियंस आपको इसमें काफ़ी बेहतर मिलेगा। तो इसका इंजन और गियर बॉक्स भी मुझे काफ़ी हद तक इसका पसंद आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो मेरी हाइट है लगभग 6 फीट 2 इंच, अगर आपको पता नहीं तो, और अगर मैं सामने की सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ तो पीछे भी मुझे अच्छा खासा नी रूम एंड लेग रूम मिल जाता है, बिना किसी दिक्कत के मैं सामने और आगे बैठ सकता हूँ। बाकी हेडरूम में भी कोई भी कमी नहीं है क्योंकि ये टॉल बॉय डिज़ाइन वाली कार है, तो इसमें हेडरूम काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है। इसके अलावा पीछे की सीट में लगभग 2 adults और 1 बच्चा बीच में आराम से बैठ सकता है बिना किसी दिक्कत के। और बूट स्पेस के बारे में बात करूँ तो बूट स्पेस आपको लगभग 260 liters का इसमें मिल जाता है, तो एक हैचबैक के हिसाब से ये बूट स्पेस मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। तो स्पेस मेंटेनेंस के हिसाब से मैं इसको 10 में से 9 देना चाहूँगा। बाकी कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले इसके जो फ्रंट सीट्स हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। अभी इसके सामने की सीट थोड़े से स्कूप्ड आउट से आपको मिलते हैं, बाकी अपराइट सीट पोस्चर होने की वजह से थोड़ा सा SUV जैसा स्टैंस आपको इसमें मिलता है। तो चलाने के हिसाब से आपको कार काफ़ी मज़ा आएगी और इन सीटों में कंफर्ट भी काफ़ी बेहतर है। अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे काफ़ी हद तक सही लगा और विजिबिलिटी भी आपको सामने की सीटों में काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि इसके सामने की सीट मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बाकी पीछे की सीटों के बारे में बात करूँ तो ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। सबसे पहले पीछे की सीटों में कोई भी अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली इसमें आपको थोड़ा सा सीधा बैठना पड़ेगा, तो अगर आप लॉन्ग जर्नी भी जाते हो तो पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को इतना बेहतर कम्फर्ट नहीं मिलने वाला। तो इसके सीट थोड़े और बेहतर हो सकते थे मेरे हिसाब से। एंड इसके बाद यहाँ पर राइड क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं।
राइड क्वालिटी दोस्तों इसकी थोड़ी सी स्टिफ है। अभी इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसके स्टिफर सस्पेंशन। अभी दोस्तों इस कार में स्टिफर सस्पेंशन इसलिए दिया है ताकि इसमें बॉडी रोल थोड़ा सा कम हो सके। अभी ये टॉल बॉय डिज़ाइन वाली कार है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसमें सॉफ्टर सस्पेंशन देते तो शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल हमें देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वैगनार चलाई होगी तो उसमें क्लियरली बॉडी रोल महसूस होगा, मतलब शार्प टर्न्स लेने के बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा झुक जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इग्निस में स्टिफर सस्पेंशन यहाँ पर दिया है। तो स्टिफर सस्पेंशन का सबसे बड़ा फायदा है स्टेबिलिटी। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में भी चलाओगे हाईवे पर या फिर इसमें शार्प टर्न्स भी लेते हो तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का बॉडी रोल आपको इसमें नहीं मिलने वाला और गाड़ी काफ़ी चिपक कर चलती है। और स्टेबिलिटी के हिसाब से भी मुझे ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी स्टिफर सस्पेंशन होने की वजह से आपको इस कार के अंदर उतना बेहतर कंफर्ट नहीं मिलेगा अगर आप ख़राब रास्तों में चलाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गड्ढे में या फिर किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर ऐसे चलाओगे तो अंदर बैठने वाले को भी पूरा ऐसे झटका महसूस होगा इन सस्पेंशन की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है स्टिफ सस्पेंशन का। लेकिन ओवरऑल कार में किसी भी तरह का बॉडी रोल नहीं है और हाईवे पर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माइलेज के बारे में तो माइलेज के हिसाब से मुझे ये कार सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अभी रिसेंटली मैंने इसमें लॉन्ग ड्राइव किया था लगभग 230 किलोमीटर्स का एंड तब मुझे माइलेज मिली थी लगभग 22 km/h। हाईवे और सिटी कंबाइंड रोड्स थे और गाड़ी में लगभग 4 लोग बैठे थे। एसी को भी मैंने 2 लेवल पर रखा था और इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी माइलेज मुझे मिली, 20 प्लस की माइलेज दे रही थी बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि माइलेज इसकी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों अगर आप इस कार को हाईवे पर लाइट पेडल पर चलाओगे तो लगभग 20 प्लस की माइलेज आराम से आप इसमें निकाल सकते हो। अगर आप सिटी में इसको चलाते हो तो लगभग 16 से लेकर 18 km/h तक माइलेज आपको इसमें मिलेगी। और हिली रीजन्स में अगर आप चलाते हो, अभी हिली रीजन्स में चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है, तब आपको माइलेज थोड़ी सी कम मिलती है। लगभग मुझे ये 14 से लेकर 16 km/h तक माइलेज देती है अगर मैं इसको हिली रीजन्स पर चलाता हूँ। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि माइलेज इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। हो सकता है कि आपको फर्स्ट सर्विस में उतनी अच्छी माइलेज ना मिले लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद इसकी माइलेज अपने आप ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एसी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो अल्फा वेरिएंट को छोड़कर बाकी जो वेरिएंट्स है उसमें आपको मैनुअल कंट्रोल वाला एसी मिलता है। बाकी अगर आप इसका अल्फा वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाली एसी मिलती है। बाकी एसी की कूलिंग के बारे में बात करूँ तो कूलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत जल्दी कार को पूरा ऐसे कूल कर देता है। अगर आपके कार में 3-4 लोग भी बैठे हैं तो बहुत ही जल्दी कार को कूल कर देता है बिना किसी दिक्कत के। तो एसी के कूलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीछे एक रेयर एसी वेंट दे देते तो शायद और बेहतर होता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प्स के बारे में, अभी अल्फा वेरियंट के जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि रात में उस लाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एंड उसमें मैं कोई भी शिकायत नहीं करने वाला। लेकिन अल्फा मॉडल को छोड़कर बाकी जो वेरिएंट्स है उसमें हैलोजन लैम्प्स आते हैं। अभी हैलोजन लैम्प्स मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा इसके पसंद नहीं आए, क्योंकि रात में जो लाइट का थ्रो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है एंड अगर आप फॉग लैम्प्स के बिना कार को चलाओगे तो आपको इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसके हैलोजन हेडलैम्प्स थोड़े और बेहतर हो सकते थे मेरे हिसाब से, लेकिन ओवरऑल कोई भी ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका सिग्मा वेरिएंट लेते हो तो ज़रूर से तो फॉग लैम्प्स को ज़रूर से आप लोग इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो रात में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। अभी मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स इस कार के रिगार्डिंग कवर कर लिए। अभी चलिए कंक्लूजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी कंक्लूजन के हिसाब से मुझे पर्सनली ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल कार अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बेहतर है, लुक वाइज भी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, आपका मुझे पता नहीं। और ओवरऑल कार में स्पेस भी काफ़ी आपको बढ़िया मिलती है, कंफर्ट भी आपको सामने की सीटों में काफ़ी बेहतर मिलेगा। ओवरऑल मुझे कार पर्सनली अच्छी लगी। कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकते थे, जैसे कि जो रोड नॉइज़ वगैरह आती है उसको कम किया जा सकता था और पीछे की सीट के जो कंफर्ट थे उसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। बाकी जो डोर पॉकेट्स वगैरह हैं उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता। तो कुछ आपको कॉम्प्रोमाइजेस इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे कार पर्सनली अच्छी लगी एंड अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ज़रूर से ले सकते हो, लेकिन एक बार कार का टेस्ट ड्राइव ज़रूर से लेना।
अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है तो आप इसका सिग्मा वेरिएंट ले सकते हो, नहीं तो अगर आप थोड़े से और पैसे दे सकते हो तो आप इसका जीटा वेरिएंट ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में ये दो वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके ऊपर मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, अगर आपको देखना है तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना। बाकी अगर मुझे आपको एक सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।